अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, इन्फिनिक्स का मॉडल है, इसका प्रॉब्लम है ये खुद ब खुद ऑन हो जाता है, पावर की से पहले ही, ऑन करने से पहले ही ये ऑन हो जाता है। इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये ऐसे ऑन हो जाता है, मैंने बैटरी का कनेक्शन ऑन किया, ये खुद ब खुद ऑन हो गया। अब इसकी बैटरी ओपन करते हैं, रिमूव करते हैं, तो ऐसे आप बैटरी लगाओगे तो ये ऑन नहीं होगा, ये ऑन नहीं होगा ऐसे, ये नहीं ऑन। जब इसको बोर्ड को ऐसे स्टेप के ऊपर दबाओगे, लगाओगे ऐसे, ये ऑन हो जाएगा। एक इसकी जो ये स्टेप है ना ऑन ऑफ की, इसमें प्रॉब्लम है। इसका जो ऑन ऑफ लगा था ना, इसको मैंने रिमूव कर दिया, लेकिन फिर भी ये ऐसे ही ऑन ऑफ हो रहा है। इसकी स्टेप का प्रॉब्लम है, ये इसकी स्टेप मुकम्मल चेंज कर दें, इसका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास स्टेप नहीं पड़ी है, इसे आप एक पावर की वाला जो ऑन ऑफ है ना, पावर की जहाँ से आप देते हैं, इस पर आप लगा सकते हैं, वो जहाँ से आपको जंपर करना पड़ेगा। ये इसका मैं सोल्यूशन चेक करके आपको दिखाता हूँ। इसके चार पॉइंट इधर लगे हुए हैं, ये चार पॉइंट है, इसको चेक करते हैं कहाँ से इसका जो ऑन ऑफ का प्लस का जो लाइन है ना, कहाँ से आ रही है, कहाँ से इसको जंपर करना पड़ेगा। सर्किट को बाहर निकाल लेना है, मैं आपको चेक कराता हूँ। दोस्तों, इसकी जो पावर की है ना, आप जहाँ से जंपर कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन जो फर्स्ट है ना, ये पावर वाला ऑप्शन है। नेगेटिव तो आप कहीं से भी दे सकते हैं, लेकिन पावर वाली जो आप जंपरिंग करनी है ना, वो यहाँ से कर सकते हैं, जो पहले वाली जे वाली, ठीक हो गया। नेगेटिव आप यहाँ से कर सकते हैं, जहाँ से ले सकते हैं, नेगेटिव कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, लेकिन पावर की जहाँ से जंपर ले सकते हैं। पॉजिटिव जहाँ से ले सकते हैं, नेगेटिव जहाँ से ले सकते हैं, जहाँ जो दो जंपर लगा के आप इधर ऑन ऑफ लगा सकते हैं। ऑन ऑफ जे वाले पॉइंट आपने ऊपर टेप लगा देनी है, टेप लगा के आप यहाँ से एक ऑन ऑफ लगा सकते हैं, जैसे भी आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। असल मसला जो है ना पावर की का, पावर की इसका जो मेरे पास मोबाइल आया, इसका जो स्टेप है ना मुकम्मल, ये बिल्कुल ग्राउंड हो चुकी है। मैं इसको ऐसे ही जंपर करके ऑन ऑफ लगा दूंगा, आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने इसको जंपर करके ऑन ऑफ लगाया है। दोस्तों, मैं यहाँ पर ये ऑन ऑफ लगाऊंगा, ये वाला बड़ा, क्योंकि इधर डब्बी के पे भी नहीं, जो बैक कवर है ना इसके डब्बी का, मोबाइल का जो बैक कवर है ना डब्बी, इसको कहते हैं, ये इसका ऑन ऑफ नहीं है, जो पर होता है ना, ये ऑन ऑफ नहीं है। मैं यहाँ से ये लगाऊंगा, लगा के इधर दो जंपरिंग कर दूंगा, ये मोबाइल ऑन हो जाएगा। ये ऑन ऑफ कहाँ से मिलेगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक MP3 होती है, यहाँ पर लगा था, जो पुरानी किसी भाई से जो है MP3 का काम करता है ना, तो उसे ये ले लेनी है, ये ऑन ऑफ उधर से आपने उतार लेना है, उतार के यहाँ लगा सकते हैं। लगाने का तरीकेकार क्या है, आपने फर्स्ट क्या करना है, आपने ये मैजिक से ऑन ऑफ लगाना है, आपने एल्फी वगैरह से नहीं लगाना, क्योंकि एल्फी वगैरह जो ऑन ऑफ के अगर अंदर चले गई तो ऑन ऑफ वर्क नहीं करेगा। आपने ऐसे ऑन ऑफ लगा देना है। अगर आपके पास स्टेप पड़ी है तो आप स्टेप लगा सकते हैं, मेरे पास नहीं पड़ी है अभी, मैं ये काम करके कस्टमर को देने लगा हूँ, क्योंकि उसके दो प्रॉब्लम है, एक तो ये डब्बी का ऑन ऑफ जो ऊपर नहीं है, दूसरा ये इसका स्टेप मुकम्मल ग्राउंड हो चुका है। मैं ऐसे इसको ऑन ऑफ लगा के जंपिंग तो करूँगा, इसको मोबाइल को ऑन करके कस्टमर को दे दूँगा, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने ऑन ऑफ लगा लिया है, इसको मैजिक भी लगा के मैंने 10 मिनट तक इसको ऐसे ही रहने दिया, ये मुकम्मल हो चुका है, इसकी खुशक हो चुका है, इसको अब जंपिंग करके लगाता हूँ। आपने क्या करना है, जिस स्टेप ग्राउंड है आपने जहाँ पर देखना है इसका पॉइंट जो ऑन ऑफ का है, इसको आपने टेप वगैरह लगा देनी है, क्योंकि अगर टेप वगैरह नहीं लगाओगे ये वैसे ही आप खुद ब खुद रीस्टार्ट होता रहेगा, क्योंकि इसका स्टेप में कोई प्रॉब्लम है। दोस्तों, ये जंपर वायर है, ये जंपर वायर आपने यूज़ करनी है, ये रेड इसका कलर है, दूसरी जो ऐसी होती है ना ये ग्राउंड हो जाती है, ये वाली जंपर वायर है ये ग्राउंड हो जाती है। आपने कोशिश करनी, ये DVD और CD जो मोटर होती है उसके अंदर होती है, ये जहाँ से आप निकाल सकते हैं, और इसका जंपर वायर बहुत ज़बरदस्त है, तो ऐसे ही आप उस CD और DVD से निकाल कर इस जंपर वायर को यूज़ कर सकते हैं। जी दोस्तों, इसका मैंने ऑन ऑफ लगा के उसकी जंपरिंग कर दी है, आप भी ऐसे ही जंपरिंग कर सकते हैं। जी, मैंने एक जंपर किया है जो इसका प्लस है यहाँ पर, और ये नेगेटिव है पावर की का, ये दोनों जंपर किए और मोबाइल जो है ना ऑन ऑफ वाला या मुकम्मल सोल्यूशन हो चुका है। ऐसे ही आपने इन्फिनिक्स के कोई भी मॉडल हो, आपने अगर ये पॉइंट आपके किसी मोबाइल से नहीं मिलता ना, आप दूसरी साइड पे चेक कर लेना मीटर लगा के, कि जो पॉजिटिव वाला जो ऑन ऑफ वाला कौन सा पॉइंट है, आप चेक कर सकते हैं, दूसरी साइड पर भी है। लेकिन मैंने ये आसान सा तरीका है, जहाँ से मैंने ढूंढा और जहाँ से पर पावर की का जो था पॉइंट, ये मैंने ढूंढ के इसको जंपर कर दिया है। ऐसे ही आपने जंपर करके ऑन ऑफ का वाला प्रॉब्लम हल कर लेना है। ये देखो दोस्तों, मैंने ऑन किया हुआ है मोबाइल, ये मैंने
पावर दी और सेट ऑन, पावर दी मोबाइल ऑफ, डिस्प्ले जो ऑफ हो जाए। ऐसे ही आपने रिस्टार्ट वाला भी प्रॉब्लम हल हो गया और ऑन ऑफ वाला भी हल हो गया, दोनों प्रॉब्लम हल हो गए हैं। तो आप भी ऐसे ही इनफिनिक्स के कोई भी मॉडल हो, आप ऐसे ही ऑन ऑफ वाला जो पावर किया ना, ऐसे ही आप इसको मोबाइल को ऑन कर सकते हैं। जी दोस्तों, इसका जो ऑन ऑफ था ना वो मुकम्मल हो चुका है। इसकी डब्बी डैमेज थी, मैंने ऐसे ऑन ऑफ लगा दिया है, तो आप भी ऐसे ही लगा सकते हैं। अगर किसी मोबाइल की जो डब्बी ऐसे डैमेज हुई हो ना, उस पर आप ऑन ऑफ ऐसा लगाएं, वरना आप स्टेप मुकम्मल लगा के अच्छे तरीके से मोबाइल को ऑन ऑफ कराएं। लेकिन हमारी मजबूरी थी, हमने ये एक तो स्टेप नहीं पड़ी थी हमारे पास, एक कस्टमर भी कहता था अभी करके दो, मैंने इसका ऑन ऑफ ऐसे लगा के और चला दिया मोबाइल को। है ओरिजिनल काम ही है कि ऐसे पावर दें ऑन काम करें, ये हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।